नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे ताल ठोक के दोस्तों। दोस्तों क्या सनातन पर हमला इतना आसान हो चुका है क्या? दोस्तों कल ही श्री राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म पर पूजनीय, हिंदू धर्म में पूजनीय शक्ति को कहा कि देयर इज अ थिंग इन हिंदू धर्म कॉल्ड शक्ति, वी विल फाइट अगेंस्ट इट। पर इसको मैं आइसोलेशन में कैसे देख सकता हूं? दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दिया गया, पर क्या मैं इसको आइसोलेशन में देख सकता हूं? मेरे हिसाब से आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रविवार को कर्नाटका में विक्टम मुकेश, एक हिंदू विक्टम मुकेश को रविवार को अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने में कुछ युवकों ने पीटा। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। क्या ये दोनों भी आइसोलेशन में देखूं? मैं देख सकता था आइसोलेशन में दोस्तों, लेकिन मुश्किल है आइसोलेशन में देखना, क्योंकि अगर मैं आइसोलेशन में देखूं तो फिर उदयनिधि स्टालिन जो ये कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है और अभी तक इंडिया लायंस के अंदर बने हुए हैं, या ए राजा जो ये कहते हैं कि सनातन एड्स और ड्रग्स के समान है और अभी भी इंडिया लायंस के अंदर बने हुए हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लग जाना चाहिए वो अभी भी इंडिया लायंस को सपोर्ट करते हैं, या जितेंद्र आवाद जो ये एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता है जो कहते हैं कि राम क्या मांसाहारी थे, 14 वर्षों तक क्या खाया, अभी भी इंडिया लायंस में वो बने हुए हैं, या तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि मंदिर देते नहीं लेते हैं, वहां दान नहीं दिया जाता वहां लिया जाता है, वो अभी भी इंडिया लायंस के प्रोमिनेंट नेता है, या फतेह बहादुर जो आरजेडी विधायक है और कहते हैं कि मंदिर की घंटी में अंधविश्वास है, पाखंड है, पाखंड का संदेश है। ये सब दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं, अनगिनत बार ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म को इसी तरीके से कैजुअली इंसल्ट करते रहते हैं, बेखौफ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी आदत बन गई है सनातन को कैजुअली अपमान करने की। जनता इनको बताती रही है दोस्तों कि ऐसा मत करो, मुद्दे पे बात करो, पर ये नहीं सीखते दोस्तों ये नहीं सीखते। कभी ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी किसी और को ब्लेम करते हैं, और ये मानते भी नहीं करके कि भाई इनकी गलती हुई है। जनता ये इनको कई बार बता चुकी है, फिर भी ये स्केपगोट किसी ना किसी और को दिखाते रहते हैं, कभी मुझे, कभी किसी भी और को दिखाते रहते हैं दोस्तों, कभी मीडिया को बोलते हैं, कभी जुडिशरी को बोलते हैं, कभी किसी और को ये स्केपगोट बनाते रहते हैं, पर ये अपनी गलती नहीं मानते दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जानबूझकर होशो आवाज में वोट बैंक की विवशताओं की वजह से ऐसी गलती करते हैं दोस्तों, और फिर अगर जनता इनको, मान लीजिए 2024 मई जून के अंदर इनको इनके इसी रवैये के कारण पोलिंग बूथ पे अगर नकार दे, तो फिर ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, पर सच्चाई यही है ना, लोकतंत्र खतरे में है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अगर खतरे में है तो वोट बैंक की राजनीति, उसके अलावा कोई खतरे में नहीं है। तो क्या अब 2024 में इन सभी नेताओं की कॉन्शियस सनातन की इंसल्ट के कारण फिर चुनाव सनातन सपोर्ट बनाम सनातन इंसल्ट गैंग हो चुका है? देखिए ताल ठोके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। द पावर ऑफ दिस बीजेपी इज ओनली winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the states. Hindu dharm dharm nahi hai, balki ek dhokha hai. Wahan mandir ke jagah vidyalay banna chahiye, university banna chahiye. Bhook lagega to mandir jaiyega, wahan to daane dena padta. Ramacha adarsh hai, Ram ha shakari navta tor mausari hota. Main mar jata to kaun jawab leta tha? अभी ऐसा
इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा है। आज कर्नाटक में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। पूछना चाहता हूँ उन सेक्युलरिज्म के नेताओं को, क्यों इस पर बात नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि हिंदू मार खा रहा है। ये केवल केवल अल्पसंख्यकों को रक्षा करने वाले सरकार है, हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले सरकार कर्नाटक में चल रहे हैं। दोस्तों मेरे पास इस वक्त 5 बजे के नंबर 1 डिबेट शो में प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, राजकुमार बाटी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अजय शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट, सारिका पासवान स्पोक्स पर्सन आरजेडी की, और आरती टीकू सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही है। आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार बाटी जी आपसे और प्रेम शुक्ला जी से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूँ। पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ राजकुमार बाटी जी। देखिए राजकुमार भाटी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सनातन की हर संस्कृति का सम्मान करने में पीछे नहीं हटते, ये मैं अक्रॉस जो है डेटा पॉइंट्स देखेंगे उसमें। दूसरी तरफ आपको नहीं लगता राजकुमार भाटी जी कि आप लोगों के नेताओं ने एक आदत बना दी है कि सनातन पर कैजुअली एक बयान दे दो, फिर जब समझ में आए कि आपने इंसल्ट करी है तो उस बयान का एक्सप्लेनेशन दो, और फिर एक्सप्लेनेशन जब दिया जाए उस पर भी अगर जनता आपके एक्सप्लेनेशन को नहीं माने तो फिर किसी ना किसी को ब्लेम कर दो, ईवीएम को ब्लेम कर दो, मीडिया को ब्लेम कर दो, लोकतंत्र को ब्लेम कर दो। आप इतना कैजुअली आपके नेता सनातन पर बयान क्यों देते हैं राजकुमार भाटी जी? प्रेम शुक्ला जी को साथ में दिखाएं। नहीं, पहले तो जी पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी और मेरी पार्टी की राय ये है और हमारी सोच ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की आस्था पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सबकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म और देवी देवताओं के पर्दे के पीछे मुंह छिपा रहे हैं, इससे जाहिर होता है, इससे साबित होता है कि वो चुनाव के मुद्दों से बेहद घबराए हुए हैं। उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक एक वसूली गैंग चला रहे थे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे रहे थे उन्हें बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे थे, जो नहीं दे रहे थे उनके घर पे ईडी और सीबीआई भेजी जा रही थी, इनकम टैक्स की रेट डलवाई जा रही थी, और जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते थे फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाई बंद हो जाती थी। अभी आपने मोदी जी की एक बाइट सुनवाई कि माता और बहनों की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन जब माताओं और बहनों के साथ रेप करने वालों को जेल से रिहा किया जा रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी आरती उतार रहे थे, उनके तिलक कर रहे थे, तब तो मोदी जी के मन में कुछ भी दया नहीं आई, तब तो मोदी जी नहीं बोले। जब मणिपुर में बहन बेटियों के साथ सरेआम सड़क पे बदतमीजी की जा रही थी, एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला। आज आपको कैसे माताएं बहनें याद आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। कानपुर में 2 सगी बहनों के साथ रेप की घटना हुई, 1 सप्ताह बाद उन्होंने फांसी लगा ली क्योंकि पुलिस ने उनके मामले में ठीक कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद उन्हीं अभियुक्तों ने उनके पिता पर दबाव डाला कि मुकदमा वापस लीजिए, तो उनके पिता ने भी फांसी लगा ली। नरेंद्र मोदी जी ने या उनके मुख्यमंत्री ने या उनकी सरकार के किसी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। आप कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, आपने अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट रखा 90 सेकंड तक, मैंने आपको सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे सहमत नहीं है तो एम शुक्ला जी, तो इंडिया अलायंस की इतनी बैठकें हुई, इतनी बैठकों में से एक बार उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इंडिया अलायंस जो है अपनी बैठक में कॉमन प्रस्ताव पास कर देता कि जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला हम उससे सहमति नहीं रखते, या मान लीजिए जो ए राजा ने बोला हम उससे सहमति नहीं रखते, पर उसके बाद में राहुल गांधी जी ने परसों ही जो जाके शक्ति के ऊपर कहा देयर इज अ थिंग कॉल्ड शक्ति इन हिंदू धर्म, और उसके बाद वी आर देयर टू फाइट अगेंस्ट इट, फिर उसके 24 घंटे बाद उसका स्पष्टीकरण दिया। तो क्या ये एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है? जब हिस्ट्री रही है हिंदू टेरर वर्ड बोलने की, तो इसको गलती कैसे समझा जाए? और जो इस वक्त राजकुमार भाटी जी आप पे आरोप लगा रहे उसका आप जवाब दीजिए। देखिए राजकुमार भाटी जी उस पर स्टालिन की क्या बात करना, स्वयं इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रहकर क्या क्या बातें नहीं की, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी इन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनकी पार्टी स्वयं छोड़कर गए,
लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के बारंबार हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म ग्रंथों को कलंकित करने वाले रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई की गई क्या? कभी नहीं कार्रवाई की गई। तो इनका तो अपना जो है स्वयं का ये नारा रहा है ये साथ, और ये अभी जो है हिंदू महिलाओं के और महिलाओं के असमत पर बात कर रहे थे। अभी कल ही रामपुर तिराहा के कांड पर जो है सेशन कोर्ट का जजमेंट आया है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उत्तराखंड की जो महिलाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रही थी, मुलायम सिंह के आदेश पर उनको बस से उतारकर बलात्कार किया, पुलिस ने बलात्कार किया, और उस पर कल ही अभी उस पर जजमेंट आया है। तो जो इनका नेता था जो कहता था बच्चों से गलती हो जाती थी, उसके निर्देश पर उत्तराखंड की शांतिप्रिय महिलाओं पर बलात्कार का कुत्सित कुकर्म होता था। और गायत्री प्रजापति के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कैसे इनके पोस्टर बॉय बने हुए थे। मोहम्मद आजम खान बुलंदशहर में बलात्कार हुआ और बुलंदशहर के बलात्कार पीड़िता के पक्ष में खड़ा होने की बजाय वो कह रहे थे कि वो सरकार को बदनाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जो फटकार लगानी पड़ी फिर भी बेशर्मी से खड़े रहे ये, तो इनकी तो ये दशा है जी। और बारंबार जो है हिंदू धर्म के प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के बगल बच्चा दल लगातार करते रहे। राजद के चंद्रशेखर यादव आए दिन इस तरह के बयान देते हैं, भाई कहते हैं कि मंदिर जाने से जो है किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ते हैं तो महामृत्युंजय यज्ञ कराते हैं। गजब का है भाई, गजब है ऐसा कह रहे हैं सरिका पासवान जी। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि गजब है, पर मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी आपके पास वापस से आऊंगा, पर मैं कह रहा हूं आरती टीकू सिंह मैं आ रहा हूं आपके पास में भी अजय शुक्ला, पर सरिका पासवान जी और आरती टीकू सिंह आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है पर दो या तीन बार गलती नहीं कर सकता। और राजकुमार भाटी जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था कि राम मंदिर का जब भूमि पूजन के पहले राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस वक्त आपकी पार्टी ने उसको समर्थन नहीं किया। और उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं राजकुमार भाटी जी कि तब कार सेवकों के ऊपर गोली भी चली थी, तब आपकी ही सरकार थी। तो आपको आऊंगा मैं, आपको पूरा रिबटल का मौका दूंगा, पर पहले मैं सरिका पासवान जी मुझे बताइए ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म पे ही क्यों होता है? ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही इतनी बार बार आपके अलायंस के मेंबर्स टिप्पणी कैसे कर पाते हैं? आरती ये तभी हो पाता है जब व्यक्ति को पता है कि उसके मन के अंदर कोई भय नहीं है। आरती आप जम्मू कश्मीर से आती है, जब आपको याद होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडित होने के कारण उनको गोली मार दी जाती थी यासीन मलिक और इनके सभी टेररिस्ट द्वारा, उनको चुन चुन के मारा जाता था, हमने ये दौर भी देखा है। तो सरिका पासवान जी मैं पूछ रहा हूं कि आप एक बार दो बार तीन बार नहीं मल्टीपल टाइम्स बेखौफ तरीके से ऐसा कर पा रही हैं, क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कंपल्शन है सरिका जी? बिल्कुल धीरज जी, मैं भी एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं और बार बार पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि क्यों ये बार बार धर्म का और सनातन का अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारे सनातन धर्म में ये उल्लेख है कि दस कर्म के दिन यानी माता पिता या अपने परिवारजनों की मृत्यु के पश्चात दस कर्म जो होते हैं उसी दिन नाखून और बाल मुड़वाने की परंपरा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध माने जाते हैं। तो मैं तो मानती हूं कि आज भी नरेंद्र मोदी जी अशुद्ध मोदी जी हैं और इसी अशुद्ध अपने पूरे शरीर के साथ वो जाकर राम मंदिर में जाकर के राम लल्ला के मंदिर का वो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी किया। तो धर्म का मजाक तो शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने किया और अभी भी हम देख रहे हैं लगातार कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को अचानक ही माँ बहनों की याद आ गई, माता की शक्ति का याद आ गया। तब आपको माता की शक्ति का कहां क्यों नहीं याद था जब आप सदन में आप एक महिला नेत्री को क्या क्या बात आप बोल रहे थे, सुपनखा बोल रहे थे आप उनको, तब आपको क्यों नहीं याद आया माता की शक्ति के बारे में जब आपके सांसदों के द्वारा उन माता और उन बहनों की चीरहरण की जा रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल, जाति का आप नारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो महिलाएं जो खिलाड़ी थी वो हिंदू धर्म की नहीं थी? क्या वो बहन जिसका बलात्कार हुआ वो हिंदू धर्म की नहीं थी? या सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए चुनाव समय में आपको यही महिलाएं आपको हिंदू धर्म माता शक्ति और ना जाने वीरांगना आपको याद आती हैं, और जब आपकी चुनाव की रोटी सिक जाती है तो आप इनको दलित और ना जाने
कितने प्रताड़ित के करने के तरीके आप ढूंढ लेते हैं। जी धीरज जी, जी प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप, प्रदीप भंडारी, आप बहुत डिबेट कर रही हैं तो आप भूल रही हैं कि कहां कहां बैठ रही हैं। प्रदीप भंडारी है मेरा नाम जी। मैं कहना चाह रहा हूं आरती जी, सारिका जी, सारिका जी, आरती जी, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरिका जी कह रही है कि अभी अभी ये बात याद आई है। मैं कह रहा हूं आरती जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने स्टालिन को बोला था कि हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दो? या मान लीजिए क्या बीजेपी ने बोला था ये राजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दो? या बीजेपी ने तेजस्वी यादव जी को कहा था कि मंदिर के बारे में टिप्पणी करो? या बीजेपी ने राहुल गांधी को भी बोला था कि मंदिर जाके शक्ति के बारे में टिप्पणी करो? ये खुद टिप्पणी करते हैं, खुद इलेक्शन के नैरेटिव को सेट करते हैं, उसके बाद जब इनको जनता कुछ बोलती है या मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो फिर ये जब कॉर्नर हो जाते हैं तो फिर इसमें कोई ना कोई स्केपगोट आर्ग्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आरती जी, ये वॉलंटरली दिए गए बयान है, ये बयानों को किसी ने व्यवस्थाओं में नहीं दिया। और राजकुमार भाटी जी, अजय जी और प्रेम शुक्ला जी पर पहले आरती जी जवाब देंगे। आरती जी और सारिका जी को दिखाइए। आरती जी, प्रदीप, इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो राजनीति को जन्म दिया, और जन्म दिया भी कब? भारत का विभाजन हुआ और तब से लेकर अभी तक हम जो ये तुष्टीकरण की राजनीति देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो इसका अंत कहीं नहीं है। आप शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। राहुल गांधी को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने शक्ति, जिस शक्ति को हम हर महिला का रूप मानते हैं, हर महिला में देखते हैं, शिव शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति का उन्होंने, उस शब्द का इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते थे? सबको मालूम है कि वो सिर्फ मुस्लिम होती है, मुस्लिम वोट बैंक। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, नहीं नहीं देखिए, आपको मैंने बोलने दिया, सारिका जी आपको बोलने दिया, सारिका जी आपको बोलने दिया, आप जब सारिका जी आपको बोलने दिया, उनको सुनिए, उनको सुनिए, उनको थोड़ा समय सुनिए, सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, उनको सुनिए, क्षमता रखिए, सुनिए। हाँ, आरती, आरती जी वर्सेस सारिका जी, मौका दिया गया। आरती जी, हाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही जितनी भी रूढ़िवादी, जितनी भी पिछड़ी सोच वाले जो उनकी विचारधारा है, वो ट्रिपल तलाक पे इन लोगों का स्टैंड क्या था, वो राम मंदिर पे क्या स्टैंड था, वो CAA पे क्या स्टैंड था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को गन पॉइंट पे कन्वर्ट किया जा रहा है और वो मुसलमान बनाई जा रही है। तो ये लोग जाके उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो हिंदुओं को का बलात्कार कर रहे हैं, जो हिंदू महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं बनता कि ट्रिपल तलाक, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत परेशान थी, जिससे उनका जीवन नरक हो गया था, ये उनकी सारी सारिका जी, 10 सेकंड काउंटर, फिर मुझे अजय जी के पास जाना है और प्रेम जी के पास जाना है। गजब है भाई, मैं तो यही कहूंगी, गजब है भाई। आपको अपने देश की पड़ी नहीं है, जितना बार तो आप पाकिस्तान का नाम ले रही हैं, देश में आपकी माताओं और बहनों का बलात्कार हो रहा है उसकी तो आपको चिंता नहीं है, आप बार बार पाकिस्तान का नमन कर रही हैं। और देखिए बहन, मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदू और सनातन की आप बात करती है ना, तो राक्षस जो है ना, राक्षस की श्रेणी में, असुर की श्रेणी में रावण भी आते थे, और रावण बहुत बड़े तपस्वी थे, और उन्होंने शिव भगवान की तपस्या और अर्चना करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी। लेकिन कौन सी शक्ति प्राप्त की थी उन्होंने? नेगेटिव ताकत, जो हमेशा से उन्होंने क्या ऐसा जस्टिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, सारिका जी, सारिका जी, ऐसा जस्टिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, वो शक्ति है। मैं कह रहा हूं नहीं सारिका जी, ऐसा क्वालिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन आप किसी और धर्म के रिस्पेक्ट में जब बात करती तब नहीं होता है, ये सिर्फ जब हिंदू धर्म के को आप जब मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट में लाती हैं तब आप क्वांटिफाई, क्वालिफाई करने की कोशिश करती है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। और इसीलिए अजय जी मैं आना चाहता हूं कि सरिका जी इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल आरती जी, पर मेरे हिसाब से इनडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं किया जाता। आ रहा हूं मैं सरिका जी आपके पास, अजय जी अभी तक डिबेट नहीं, अजय जी और प्रेम जी के पास आना चाहता हूं मैं, उसके बाद तुरंत राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, आऊंगा सरिका जी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं, लेट इस गो, मैं कह रहा हूं अजय जी, मैं कह रहा हूं अजय जी, अगर पहली बार होता तो मैं समझ सकता था। एक समय था जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, आपको अच्छी तरीके से याद है अजय जी, जब कांग्रेस पार्टी, प्रेम शुक्ला जी अगर आपको याद होगा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की बात कर रही थी,
और उसके पहले जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट को बात करने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसी समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो दिग्विजय सिंह जी ने एक टर्म कॉइन करी थी और उस टर्म को उन्होंने सपोर्ट किया था कि भाई 26/11 के अंदर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान का हैंड उसमें इन्वॉल्व हो। तो इस हद तक अपीसमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टिकरण पॉलिटिक्स पहुंच गई थी कि हम आतंकवाद की घटनाओं के अंदर भी धर्म देखा करने लग गए थे। तो आज अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसी के कारण कांग्रेस पार्टी जो है आज डबल डिजिट की पार्टी रह गई है। अजय जी पर रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि आप लोग एंटी सनातन होने के कारण एंटी जो जनता की पल्स है वो हो रहे हैं और आप लोग अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं। अजय जी क्या आपको एक्नॉलेजमेंट है कि गलती हुई है? अजय जी अजय जी का जो वीडियो है वो फ्रीज हो गया, मैं अजय जी के पास आऊंगा, पर मैं राजकुमार भाटी जी आपसे भी यही सवाल लेना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी और प्रेम शुक्ला जी को देखा है, राजकुमार भाटी जी अपोलोजाइज क्यों नहीं की जा रही गलती के लिए? मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी अपोलोजाइज क्यों नहीं किया जा रहा है गलती के लिए? गलती तो है और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बार गलती हो चुकी है, इनफैक्ट चार क्या पांच छह सात मैं गिन रहा हूं 16 बार तो मेरे सामने इंस्टेंसेस हैं इसके। राजकुमार भाटी जी नहीं बिल्कुल कोई गलती करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए और उसे खुद भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है उसमें गलती कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी आदत है ये मुद्दों को भरवाने में घुमाने में बड़े माहिर हैं। एक बार कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री के लिए बोल दिया था कि ये बहुत नीच आदमी है, हालांकि मैं इन शब्दों से भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत बोला था एक व्यक्ति के लिए कि ये बहुत नीच आदमी है। तो मोदी जी ने एकदम उठा दिया, मेरी जाति को नीच कहा है, मेरी जाति को बुरा कहा है, मेरी जाति को नीच बताया है। ये इस तरह मुद्दों से भरमाते हैं। राहुल गांधी का कहने का अर्थ यही था जो अभी सारिका जी स्पष्ट कर रही थी कि रावणी जो शक्ति है, जो आसुरी शक्ति है, जो राक्षसी शक्ति है, उन शक्तियों से हमें लड़ना है और हमें दैवीय शक्तियों को आगे बढ़ाना है। लेकिन इन्होंने उसे ले लिया कि शक्ति तो महिला के लिए कहा जाता है। कोई नेता क्यों महिलाओं का विरोध करेगा? कोई नेता क्यों महिलाओं पर प्रहार करेगा? कोई समझ में आने वाली बात है? लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं राजकुमार जी, हिंदू धर्म के माध्यम से हिंदू धर्म के ऊपर कैजुअल टिप्पणी और अपमानित टिप्पणी, हिंदू धर्म। राजकुमार भाटी जी नहीं, मुझे तो केवल एक बात प्रदीप भाई आप बता दीजिए, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? ईमानदारी से बताओ मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? मेरे घर में सारे हिंदू संस्कार होते हैं, प्रेम शुक्ला जी हमारे सब परिवार के शादी विवाह हिंदू संस्कारों से होते हैं, हम क्यों हिंदू का विरोध करेंगे? अपना ही विरोध करेंगे। तो फिर जब राम मंदिर का आंदोलन था तो आपने खुल के राम मंदिर बनने का सपोर्ट क्यों नहीं किया अगर आप हिंदू थे? हाँ, इस पे भी दो वाक्य बोल दूं। हाँ, फिर प्रेम शुक्ला जी इसमें भी दो वाक्य बोल दूं। आपने टिप्पणी की थी कि राम मंदिर निर्माण का हमने विरोध किया। राम मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न तो समाजवादी पार्टी ने, न देश की किसी और पार्टी ने, न किसी हिंदू ने, न किसी मुसलमान ने कभी विरोध नहीं किया। ये जो गैरकानूनी तरीके से धर्मस्थल को गिरा रहे थे, धर्मस्थल बनाने का विरोध नहीं था, धर्मस्थल गिराने का विरोध था। जो गिराया जा रहा था वो गैरकानूनी तरीके से गिराया जा रहा था। प्रेम शुक्ला जी तो बाबर ने जो है धर्मस्थल जो गिराया था राम मंदिर वो कानूनी तौर पर गिराया था, ये कहना है बाबर का कानून आज लागू होता है क्या? आज बाबर का युग लागू करना चाहते हो तो बाबर के चरण क्यों चाट रहे थे? जब बकरी चोर आजम खान माँ भारती को डायन कह रहा था तो चुप्पी क्यों साध रखी थी? बोल सकते हैं प्रेम, आप बताइए ना, आपका ये इस तरह हो सकता है, मेरा इस तरह बकरी चोर, अरे बकरी चोरी का केस उसके ऊपर तो क्या बोल सकते हैं क्योंकि आपको बकरी चोर आजम खान जब माँ भारती को डायन कह रहे थे तब आपने चुप्पी क्यों साध रखी थी? आपके संस्कार हो सकते हैं, माँ भारती को डायन कहना मेरा स्तर है। नेता के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, ये सम्मानित रहता है वो बकरी चोर स्तर हो सकता है? जो माँ भारती को डायन कहे वो सम्मानित है, बकरी चोर है, बहुत बकरी चोर वाले बहुत सम्मानित नेता हैं। बकरी चोर मैं आपके नेता के लिए ऐसे स्तर पे कभी नहीं बकरी चोर को मैं क्या कहूँ भाई, और क्या कहूँ उसको, शेर चोर कहूँ? नहीं आपके संस्कार हो सकते हैं, बकरी चोर को क्या कहूँ, यही स्तर हो सकता है, आपके परिवार ने यही पढ़ाई की कराई होगी, क्या कहूँ भाई, बकरी चोर को क्या श्री ने संस्कार दिए होंगे, अरे बकरी चोर को क्या हो सकता है आपके, हो हम नहीं उतरेंगे किसी के माता पिता में ना जाए, किसी के बदजुबानी कभी नहीं करेंगे, बकरी चोर को बकरी चोर कहने का राजनीतिक मुद्दों का करेंगे।
और माँ भारती को नहीं करेंगे प्रेम शुक्ला, बकरी चोर को बकरी चोर नीचे उतर जाए, ये मेरा अधिकार है। आप कितने नीचे गिर जाए, संवैधानिक अधिकार है, इस तरह से नीचे नहीं गिरेंगे। गिरा था वो बकरी चोर जब उसने माँ भारती को डायल किया, कितनी बदजुबानी कर रहे हैं लगातार मेरे बीच में। आप इस पे मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ बीच में ना बोलिए, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, बकरी चोर को बकरी चोर कहने पे इतना इनको क्यों बुरा लग गया भाई? मैं इस स्तर पर नहीं उतरूंगा, मेरा निवेदन है उसको सर चोर कर सकते हैं, आपके संस्कार रहे। अरे बदतमीज, माँ भारती को डायल करने वाला बदतमीज है, माँ भारती को डायल करने वाला बदतमीज बदतमीज था। मैं आपका भी और आपके नेता का भी नाम सम्मान, अरे आजम खान को क्या कहूंगा जो माँ भारती को डायल करने का कुकर्म करता हो, उस बकरी चोर को क्या कहूँ मैं? प्रेम शुक्ला आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप अपना तो प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके सामने हूं कि नहीं प्रदर्शित? बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी आएंगे, मैं कह रहा हूं राजकुमार भाटी जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी और अजय जी को आना चाहता हूं। बकरी चोर के समर्थक को उसका स्तर दिखाई देता है कि बकरी चोर के लिए बकवास करने वाले का स्तर भी जो है इस देश के दर्शक देख रहे हैं कि क्या स्तर है उनका। प्रेम जी, प्रेम जी मैं आपके पास और अजय जी के पास आना चाहता हूँ और एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात तो हुई ही नहीं भाई। नहीं, आपके पास ही तो आ रहा हूँ प्रेम जी, आप ही बोल रहे हैं, सुनिए। मैं 11 जुलाई 2021 के कांग्रेस पार्टी के एमएलए राकेश सिंह के बयान को आपको याद दिलाना चाहता हूँ अजय जी, की कांग्रेस इज फंडामेंटली एन एंटी हिंदू एंड प्रो मुस्लिम पार्टी, स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग पूजा, ये उन्होंने कहा है। तो मैं आपसे ये जानने जा रहा हूं, ऐसे तमाम बयान हैं जो सितंबर 2007 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी तो उन्होंने कहा था कि देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ फॉर लॉर्ड राम्स एग्जिस्टेंस, राम सेतुज एग्जिस्टेंस। तो मैं कह रहा हूं अजय जी और प्रेम शुक्ला जी आएंगे डिबेट में, पहले अजय जी आप और फिर प्रेम शुक्ला जी आप, और दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास सरिका जी, आरती जी, और आपके पास मैं आऊंगा, मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास मैं आ चुका हूं। मैं कह रहा हूं अजय जी, आपको रियलाइजेशन है कि आप कंसिस्टेंटली हिंदू आस्था के खिलाफ बयान दे रहे हैं? अजय जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में दो चीजें डिफाइन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से असुरी शक्ति का भी जिक्र है और दैविक शक्ति का भी जिक्र है। तो इसमें जिस तरह के जो टर्म्स गिनाए राहुल गांधी ने, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे और सारी चीजें, अदानी अंबानी जैसे लोग, तो निश्चित रूप से वो असुरी शक्तियां हैं, और असुरी शक्तियों की बात की नंबर एक। नंबर दो, हिंदू धर्म को यदि आप जानते हैं तो हिंदू धर्म में बिल्कुल जैसा मैडम पासवान कह रही थी, मैं उस बात से सहमत हूं। गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे परिवार में यदि किसी उसका निधन होता है, हमारे खानदान में निधन होता है, हम अपने बाल बनवाते हैं, हम अपने नाखून बनवाते हैं, हम अपना सारी ये चीजें परंपराओं का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। हमारे हिंदू धर्म के सबसे शीर्ष चार शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर सवाल उठाया। हम नरेंद्र मोदी ने उसे नहीं माना, वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान था। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी ने हर जगह हिंदू धर्म का अपमान किया है। जब वो काशी विश्वनाथ बाबा में जाकर के पूजा करते हैं तो वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं और वहां से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ सदैव देवता से नीचे आसन में बैठने की परंपरा है। तो साहब, इससे समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म का अपमान कौन करता है। नंबर दो, कभी वो अपने आप को भगवान विष्णु जैसा दिखाते हैं तिरुपति बालाजी में, और कभी वो उठा करके बाबा विश्वनाथ में, और जिस तरीके से त्रिशूल उठा करके दिखाते हैं, वह उन शीर्ष देवताओं का अपमान है, क्योंकि हिंदू धर्म में तीन देवताओं का जिक्र है। यदि हम यजुर्वेद के 32.2 को देखेंगे, उसमें कहा गया है कि कोई भी देवता की मूर्ति नहीं होती, कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। आप रायबरेली में मंदिर बनवा देते ना इतने सालों में। इस तरह से मैं कह रहा हूं अजय जी, प्रेम शुक्ला जी, हिंदू धर्म का एबीसीडी जिन्हें नहीं पता है, वो हिंदू धर्म का प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, और प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, पर मैं कह रहा हूं कि इतना ज्यादा हिंदू धर्म के प्रति प्रेम था तो रायबरेली में 25 साल से ज्यादा आखिर गांधी परिवार की सरकार रही थी, बना देते मंदिर, सड़कें बनवा देते, वहां कौन सा मंदिर आपने बड़ा बनवा दिया, या जब कांग्रेस सरकार थी राम मंदिर में राम मंदिर बनवा देते, सब उसी के परिवार का बनवाया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, अरे मैं रायबरेली के अंदर गया हूँ, रायबरेली में एक बड़ा भव्य मंदिर बता दीजिए जो काशी के बराबर होंगे।
मेरा घर प्रेम शुक्ला जी कौन सी गली बताइएगा मुझे नाम बताइए मंदिर का नाम बताइए मंदिर का एक से राजा जी नाम बताइए मंदिर का घर है मैं जानता हूँ प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी पहले शिलान्यास कांग्रेस सरकार में प्रेम शुक्ला जी जो हुआ था साला शांति अब आप सुनेंगे ठीक है अजय जी अब आपने बोल दिया आपने मेरे बारे में लगातार लोग चीख अजय जी अब सुनिए प्लीज अब आप सुनिए ठीक है अब प्रेम शुक्ला जी एक के बाद एक बोलिए देखिए मेरे डिबेट में ऑपोजिशन 60% से ज्यादा बोल रहा है तो प्लीज आप प्रेम शुक्ला जी को भी सुनिए बोलिए प्रेम शुक्ला प्रदीप जी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी डिबेट में मैं सबको शांति से संयम से सुनता हूँ और लगातार मेरे बीच में लोग चिचियाते हैं और डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं विपक्ष की हताशा और निराशा का ये अपने आप में प्रमाण है। अभी इन्होंने आसुरी शक्तियों का जिक्र श्रीमान अजय शुक्ला ने किया 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जिस सत्ता लोलुपता में हुआ वह सत्ताधारी आसुरी था कि दैवी था 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करा दी और एक FIR नहीं दर्ज कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी कृपा करके मुझे बताइए हजारों हजार गौ भक्तों पर गोली चलाकर हत्या कर दी गई हत्या कर दी गई गोपाष्टमी के दिन कर्पात्री महाराज जी के नेतृत्व में आए अब देखिए मैं अजय जी उनको बोलने दीजिए अजय जी आप बोलने दीजिए उनको मेरा निवेदन है अपनी बात ये अभद्रता और अशिष्टता की पराकाष्ठा है बोलिए प्रेम जी अपने बात अपनी बात कंप्लीट करिए मैं आ रहा हूँ गोपाष्टमी के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी के बर्बर नेतृत्व ने उनके आदेश पर दर्जनों संतों की निर्मम हत्या कर दी ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी जिन लोगों ने आपातकाल में लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना अपराध के जेल में डाल दिया वो आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी 10,000 सिखों का नरसंहार उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी और प्रधानमंत्री ने निर्दयता पूर्वक राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ हिलता है गिरता है तो धरती हिलती है ये आसुरी शक्ति थी कि दैवी शक्ति थी मुझे कृपा करके बताइए आसुरी शक्ति है कौन फिर लगे चिल्लाने फिर चिल्लाने लगे प्रदीप जी क्या है मैं कह रहा हूँ अजय जी क्या है आसुरी शक्ति क्यों चीख रही है मैं तो सुन रहा था मैं सबको संयम से और मैंने जितने भी उदाहरण दिए एक भी उदाहरण गलत हो तो आप मुझे बताइए ये काहे चिचिया रहे भाई मैं कह रहा हूँ चिचिया रहे चिचियाने काहे चिचिया रहे बाबू काहे चिचिया रहे हो गला काहे फाड़ रहे हो आप सभ्यता तुमसे सीखूंगा मैं चिरकुटों से बिल्कुल सीखिए तो सभ्यता चिरकुटों से सीखूंगा आसुरी शक्ति के तले में चलने वाले चिरकुटों से सीखूंगा मैं सभ्य व्यक्ति पाला बदलने वाले पार्टियां बदलने वाले भगेड़ू लोग भगेड़ू निवेदन अजय जी ऐसी भाषा नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा अजय जी नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा मैं रुक जाइए नहीं अजय जी प्लीज अजय जी प्रेम जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग ना करिए अभद्र भाषा ये चिरकुट जो है चवन्नी छाप से क्या मेरा निवेदन है मेरा निवेदन है आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें मैं सरिका जी अजय जी रुक जाइए डिबेट को डिबेट ना करिए अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज रुक जाइए अजय जी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें प्रेम शुक्ला जी आपको सुन रहे थे आप उनको सुनिए और एक एक करके बात करिए प्लीज और ऐसे पर्सनल मत चले जाइए अजय जी निवेदन है मेरा मैं आना चाहता हूँ सरिका जी और आरती जी के पास में 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद जी का जब शासनकाल एंड हुआ था तब 14 सालों के अंदर 3,400 से ज्यादा मर्डर रिपोर्ट हुए थे बिहार में 2005 के अंदर ही 3,400 से ज्यादा मर्डर रिपोर्ट हुए थे 251 किडनैपिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी 1,000 से ज्यादा रेप इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे 2004 में 3,900 लोगों का मर्डर बिहार में हुआ था डेटा ऑफिशियल है 411 किडनैपिंग हुई थी 1,390 रेप की इंसिडेंट हुई थी तो सरिका जी जब महिला शक्ति की आप बात कर रही हैं असुरी शक्ति की बात कर रही हैं क्या ये सब हुआ ये असुरी के अंदर आता है सरिका जी जो लालू जी के राज में हुआ देखिए प्रदीप जी आपने जिन NCERB रिपोर्ट का ही जिक्र किया होगा वहीं से आपने डेटा उठाया होगा और आज की डेटा अभी रिसेंट अगर आप NCERB की रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा
कि बिहार में नहीं बता तो रही हूँ ना मैं, असुरी शक्तियां तो पूरे आज देश में काबिज हैं, खास करके केंद्र की सत्ता में असुरी ताकत अभी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। तो लड़ाई के लिए दैवी शक्ति स्वरूप इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े चहेते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि विस्की में विष्णु बसे, रम्मे श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो बोलो जय सिया राम। और उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंत्रिमंडल से पद से नवाजा, उनको माला पहनाई उनके पुत्र को। भारतीय जनता पार्टी के ही सहभागी दल के एक नेता है जिन्होंने कहा है राम तो कहीं बसते ही नहीं है, जिनके जिन्हें काट के लाओ, और वो एक दलित थे जो आज इनके गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आप बच्चों का, युवाओं का इस्तेमाल जवाब आपने नहीं दिया। लालू राज के अंदर असुरी शक्ति थी कि नहीं आपने नहीं बताया, पर मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी क्या आप हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ले रही है जो सरिका जी कह रही है, ऐसे लोगों को आपने मंत्री पद का नवाजा है। मंत्री नहीं बनाया गया किसी को, ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि लालू प्रसाद यादव के संबंधी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव के संबंधी श्रीमान अखिलेश यादव की पार्टी में जब वो थे तब वो इस तरह की बातें करते थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई बयान नहीं दिया। चंद्रशेखर यादव पर सारिका पासवान की हिम्मत नहीं होगी कुछ बोल दे, स्वामी प्रसाद मौर्य पर इनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोल दे, उदय निधि स्टालिन पर कुछ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये जो है पाखंडी है, पाखंडी और ढोंगियों के साथ संकट यही है। ये झूठ बोलने वाले जो मैं बता रहा हूँ ना, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी में थे, लालू प्रसाद यादव के संबंधी अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रहे थे, अखिलेश यादव अपनी रिश्तेदारी तोड़ ले। मैं आरती जी इस तरह की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश बहुत कर रही है सरिका जी, आई अंडरस्टैंड आपकी कंपल्शन है, विवशताएं हैं, पर जो सच्चाई आरती जी आप एक्सपर्ट है, मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ और फाइनली कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं कर जी, जी जी आरती जी हमारी व्यवस्था नहीं है। आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, असुरी 2005 में जो इतनी किडनैपिंग मर्डर जब लालू जी के समय हुई थी क्या वो असुरी थी कि नहीं थी? मेरे को आरती जी के पास आना, आरती जी जब से सुन रही थी मेरे को आरती जी को दिखाए, ठीक है सरिका जी। आरती जी आरती जी आरती जी आप जम्मू कश्मीर से आती है, कंसिस्टेंट एंटी हिंदू स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है आरती जी? क्या माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन और मेजॉरिटी वोट डिवीजन की स्ट्रेटजी है इसमें? देखिए कांग्रेस के पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ही टारगेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दशा है आपने देखा कि पिछले 10 साल में वो कितने सिमट गए हैं। कांग्रेस को वैसे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये इंडिया अलायंस उन्होंने क्रिएट किया लेकिन कहीं उनका कुछ बन नहीं रहा है, तो वो लगातार ये मुस्लिम अपीजमेंट जो तुष्टिकरण की राजनीति जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही कारण से कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिले। बाकी अपराध महिलाओं के साथ पूरे देश भर में हो रहे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, अगर हिंदू महिला के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ जहां पे उनका मुस्लिम वोट बैंक मायने रखता है वहां पे वो हिंदुओं को मेरे पास इतना ही समय था आरती जी, सारिका जी, राजकुमार भाटी जी, प्रेम जी और अजय जी, माफी चाह रहा हूँ आरती जी बीच में रोक रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों जाते जाते, इनमें से एक भी लीडर जिसने अपना स्टेटमेंट एंटी हिंदू बयान दिया है, भले वो ये राजा उदय निधि स्टालिन हो गए, इनमें से एक भी लीडर ना सस्पेंड हुआ है ना इंडिया अलायंस से हटा है। क्या इसके पीछे की स्ट्रेटेजी यही है कि इनको पता है कि हिंदू वोट बढ़ सकता है और मुस्लिम वोट एकजुट हो सकता है? जरा सोचिएगा। मेरे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल शाम 5 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार।